हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, अभी आप लोग को एक न्यूज सुनने मिल रहा होगा। पूरा यूट्यूब में धूम मच चुका है गूगल एडसेंस को लेकर। मैं आपको पूरी जानकारी देना है और आपको घबराने की कोई बात नहीं। गूगल एडसेंस जो कि बंद हो चुका है, तो आपको आगे क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा। और वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मजेदार वीडियो मिलने वाला है आपको, जो कि हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी गूगल एडसेंस का ऐप जो एप्लीकेशन था, जी हाँ, गूगल एडसेंस का एप्लीकेशन को अब बंद कर रहा है, बंद होने जा रहा है। यानी अभी अगर बंद नहीं हुआ है तो कुछ दिनों के अंदर बंद हो जाएगा। और अगर आपके पास आपके मोबाइल में पहले से गूगल एडसेंस एप्लीकेशन है तो वो बंद नहीं होगा। जी हाँ, उनको बंद नहीं होगा, वो आपके एप्लीकेशन में ही रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन पहले से है तो आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आप करते हैं मिस्टेक। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि गूगल एडसेंस हो चुका है बंद, लेकिन फिर भी मेरे पास है, हम तो करते रहेंगे यूज, लेकिन ये आपका गलतफहमी रहेगा। क्योंकि अगर आप गूगल एडसेंस को अनइंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपको एक डेढ़ महीना आपको जो है ना, जो आप CTR चेक करते होंगे या और भी कुछ अर्निंग सब चेक करते होंगे, तो वो सब चीज़ आपका सही से चेक नहीं होगा। यानी आपका CTR रहेगा कुछ और, लेकिन आपको आपके एप्लीकेशन में दिखेगा कुछ और, तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, जिसके कारण से आपका एडसेंस डिसेबल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए बस यही करना है कि आप गूगल एडसेंस को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, जैसा कि आपको बगल में दिख रहा होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली वहां पे सर्च करना है गूगल एडसेंस, जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। साथ ही आप गूगल एडसेंस में जाने के बाद आप जिस भी ईमेल आईडी से अपना गूगल एडसेंस को बनाए हैं, उस एडसेंस को आप लॉगिन कर लीजिएगा, उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा डायरेक्ट अपने गूगल एडसेंस का होम पेज में। आप यहां पे देख सकते हैं, होम पेज में जाने के बाद बस आपको जितना काम आप एप्लीकेशन में करते थे उससे ज़्यादा काम आप यहां पे आप कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर में। इसीलिए क्योंकि गूगल एडसेंस का एप्लीकेशन सही से काम नहीं करता था, इसीलिए गूगल एडसेंस ने इस एप्लीकेशन को अब अपने प्लेटफॉर्म से हटा ही दिया, क्योंकि अच्छा से काम नहीं कर रहा था। इसलिए सोचा कि मैं इसे अब रख कर क्या करूँगा। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अब आप अपना सारा काम क्रोम ब्राउजर में कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी क्रोम ब्राउजर में ही चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया था। तो बस यही जानकारी आपके लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और साथ ही इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और भी आपको कोई सवाल आपके मन में है, मतलब यूट्यूब चैनल से लेकर, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। और साथ ही आप हमसे कोई भी पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मिल सकते हैं। वहाँ पर आप हमसे पर्सनली कुछ भी बात पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा इंस्टाग्राम का, वहां पे जाए, हमें फॉलो करें और आप हमसे कुछ भी बात कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।